तो भैया आप कहाँ से यात्रा शुरू कर किए हैं? आप सबको को जोहार सभी दर्शकों को। मैं सर बोकारो ज़िले का रहने वाला हूँ, मेरा नाम आर्य गुप्ता है जी, और वहीं से झारखंड के चौसा जिला में पैदल यात्रा जी। तो आपका एम क्या है? चौसा ज़िला को पैदल यात्रा करने के पीछे उद्देश्य हमारे झारखंड को प्रमोट करना, जैसे यहाँ के ऐतिहासिक पहचान, यहाँ के सांस्कृतिक पहचान। पहले हमारे यहाँ पे हिजला हुआ, हिजला मेला दुमका में, तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ऐतिहासिक पहचान है। तो सभी चीज़ों के बारे में लोग झारखंड के बारे में जाने, इसका क्या है, हम योगदान है देश की इकोनॉमी में, 40% खनिज संपदा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से, और देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हम योगदान है इसका। इसके बावजूद भी झारखंडियों को बाहर में सताया जाता है, हमें जंगल झाड़ी के लोग बताए जाते हैं, और हीन भावना से जो देखा जाता है उसके तहत जो है हम झारखंडियों को रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो उन सभी झारखंड के सभी 24 जिलों के बारे में, वहाँ की अपनी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है उसको बताते हुए, वहाँ के पर्यटन स्थल को दिखाते हुए, मेरे झारखंड को मैं थोड़ा सा और चिन्हित करूँ, उसको हाईलाइट करूँ, इसी उद्देश्य से जो है वो निकला हूँ मैं, ताकि लोग जब झारखंड को देखेंगे बाहर दूसरे राज्यों से, तो बेसिकली वो झारखंड के उन जगहों में घूमने के लिए जाएंगे, जब घूमने के लिए जाएंगे तो पर्यटन के माध्यम से लोगों का जो है रोज़गार जो है वो अवसर उसके प्रदान होंगे, मतलब रोज़गार वहाँ से जो है सृजन होगा। इसीलिए झारखंड के 24 जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज 296 दिन हो गए हैं ऑन रोड, और तकरीबन 5000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। दुमका जो है वो 22वां जिला। आपका शुभ नाम क्या बोल रहे हैं? आर्य गुप्ता। आप किसी चैनल को चला रहे हैं क्या? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग आर्य गुप्ता, उसी के माध्यम से। आप पीछे मेरे बैग को देखेंगे आप पाएंगे कि वहाँ पर भी मैंने वो मेंशन करा है, जिसे मैं पलटता हूँ। बैग में मेरी सब चीज़ें हैं जो मेरी यात्रा में जो है काम के हैं, जैसे बिस्तर हो गया, खाना बनाने के लिए पकाने के लिए कुछ बर्तन भी मैंने रखा है, और कुछ ऐसे बेसिक नीड, और बाकी बात ऐसे दिन रात जो है करते जा रहा है अभी, और वही सोशल मीडिया में वो सारे एक्सपीरियंस जो है उसको दिखाते जा रहा है। आप कितना तारीख से शुरू किए हैं? वैसे निकले तो 18 दिसंबर 2022 को थे, बट बीच में मैंने ग्रेजुएशन का लास्ट अंतिम वर्ष का साथ दो तो तीन बार एग्ज़ाम देने के लिए गया, जो उसमें कुछ तीन बार एग्ज़ाम हो तो एक एक महीना का गैप रहा है उसमें, तो उसको छोड़ते हुए अगर बात करें कंटिन्यू रोड की तो 296 दिन आ चुके हैं। तो आपका ऑनर्स क्या है? फिजिक्स ऑनर्स के छात्र हैं, बट अभी जो भी अध्ययन कर पा रहा हूँ वो इतिहास और ज्योग्राफी हो रहा है। अभी हम दुमका यूनिवर्सिटी में विजिट करने जा रहे हैं, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कुछ प्रोफेसर डन से भी मिलेंगे और स्टूडेंट वर्ग से भी मिलेंगे, वहाँ पर उनके साथ जा चुके हैं। तो मैं भी वहीं से हैं, मतलब SKMU यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही हूं। तो आप यहां मतलब मेरा मतलब आप यहां मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा हमको भी। तो ऐसे ही मेरा उम्मीद है कि आप आपका मंजिल आपको बहुत जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा चैनल का नाम है कुलदीप आर्ट गेम, बोल दीजिएगा। अच्छा, आप कुलदीप आर्ट गेम चैनल चला रहे हैं? चैनल चला रहे हैं भाई। कि वीडियो जो भी देख रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो है और खास करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्लीज़ भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू भैया।